फिलहाल अभी हम मौजूद हैं भारत की मशहूर अदाकारा गरिमा जैन मैम के साथ। मैम सिर्फ अदाकारी के साथ साथ एक बेहतरीन कथक डांसर और एक ट्रेंड गायिका भी हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल यहीं से निकल के आता है कि इतनी सारी कलाओं को, गायकी ले, आप एक बेहतरीन कथक डांसर हैं मैम, उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी मैं अभी आगे आऊँगा, और अभिनेत्री होना मैम, इन सारी कलाओं को एक धागे में पिरो के अपने आप को प्रस्तुत करना, मतलब इस पूरी जर्नी के ऊपर आप अगर अपनी कुछ रोशनी डालना चाहें तो। सी देखिए, मेरी प्रेरणा तो जो थी मेरी माता जी थी, उन्होंने ये सपना देखा था कि मैं अपनी बेटी को एक एक्टर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट बनाऊंगी, और एक आर्टिस्ट को सब कुछ आना चाहिए, वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, मतलब कोई अगर आपके पास रोल आया है एज एन एक्टर तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यू शुड नो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आप ना नहीं बोल पाओ कहीं पर भी। सो आई थिंक मैं अपने आप को बचपन से ही उस चीज़ के लिए ट्रेन कर रही थी, और मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इसलिए कि मतलब इतनी अच्छी फैमिली में मैंने जन्म लिया। मैम, मेरा दूसरा सवाल कि अगर कोई यंग बच्चा है और उसे फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में अगर उसे जाना है, तो उसके लिए पहली सीढ़ी जो सक्सेस की चढ़ना चाहता है, उसके लिए वो क्या अपने अंदर एक हैबिट इनकलकेट कर सकता है, खुद में वो आदत अपना सकता है कि वो उसे अपने लक्ष्य की ओर एक पहला कदम बढ़ा सके, उसके लिए सबसे ज़रूरी टिप जो आप देना चाहें मैम? एक किसी भी चीज़ को करने की एक चाह होती है ना अंदर से, आई थिंक वो एक जर्म है, वो एक सबसे पहला सीड है कुछ भी करने के लिए लाइफ में। और दूसरा, उसके अंदर सैम्पलिंग तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। कोई भी अगर आप बीज डालते भी हो ज़मीन के अंदर, तो वो ऐसे ही तो उग नहीं जाएगा, उसको धूप चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए होता है, तब जाके वो उस छोटे से पौधे से वो पेड़ बनता है और फिर वृक्ष की तरह ऐसे फैल जाता है। तो अगर आप अपने आप को वहाँ उस वृक्ष में देख रहे हो जो 100 साल से यू नो अच्छे से टिका हुआ है, तो आपको वो जो जर्म है, जो आपकी सीडिंग है, वो जो प्रोसेस होता है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना होता है और बहुत टाइम लेके करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज धूप दी, कल पानी दिया और परसों पेड़ भी बन गया या पौधा भी बन गया, तो वो नहीं बन सकता। और अगर वो बना भी है ड्यू टू whatever circumstances, तो वो ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं, वो बहुत जल्दी गिर जाएगा, और जब वो गिरेगा तो वो फिर शायद कभी वापस उग नहीं पाएगा। तो लंबी रेस का एक घोड़ा बोलते हैं ना, अगर आप अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहते हो, तो अपनी जो सबसे पहली सीढ़ी है उसे बहुत अच्छे से पक्का करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो आई थिंक ये सीखा मैंने, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि आपका जो ग्राउंड लेवल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, और सिर्फ वो ही नहीं, आपको ये नहीं कि आपने आज दिया है, कल दिया है, आपने 3 साल तक उसको पानी दिया, लेकिन अगर आप नेक्स्ट अगर आप भूल जाओगे पानी देना, तो वो वापस सूख जाएगा। तो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो रखनी पड़ेगी। और एक वो फीलिंग होती है जब आप एक लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो, तो ऐसा सोचते हाँ अब तो मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, अब मैं तो मज़े कर सकता हूँ। ऐसी लाइफ आप नहीं जी, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं जीना चाहिए। कुछ लोग अगर ऐसा मानते हैं कि ठीक है जीना है तो जी रहे हैं। सी लग्जरी सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोविड ने हमको एक चीज़ सिखाई है कि आपकी ज़रूरतें जो हैं वो बहुत बेसिक होती है। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आप ज़िंदगी में उसके लिए काम करते हो, और उसके अलावा जो भी मिलता है वो भगवान की मर्ज़ी से, वो आपकी मेहनत से, वो सब कुछ यू नो इट्स डिपेंडेंट ऑन दीज टू फैक्टर्स। तो ये आपको चूज़ करना है कि अगर आप वैसे ही खुश हो कि नहीं मैं तो अपने बेसिक लग्जरी में ठीक हूँ तो चलेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रखोगे कि नहीं यार आज मेरे पास BMW है, कल मेरे पास कम से कम लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, चलो उस लैम्बोर्गिनी के लिए आप काम करो, तो जाके आपके पास आएगी। और वो जब आ जाए तो आप ये मत सोचो कि हाँ अब तो लैम्बोर्गिनी आ गई, अब आप उससे ऊँचा सोचो। अपने आप को सीमित नहीं करना है हमें किसी भी एक दायरे में, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, उस चीज़ को हम सभी नहीं बोल सकते जो विश्व इतिहास आपने रचा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज किया गया है, उसके बारे में बताएं मैम। 9 मिनट 1000 राउंड, मतलब जब आप बोल भी रहे थे ना, तो मैं वो लिटरली वो 9 मिनट ना, वो आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना है, ये 5 मिनट या ये 2 मिनट, व्हाट इज़ दैट डायलॉग, चक दे इंडिया का, कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये वो वाला मोमेंट था मेरे लिए जब मैंने अटेम्प्ट किया था गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लोगों को लिखा था, मेल किया था, तब मैंने लिखा था कि मैं 10 मिनट में 1000 चक्कर ले सकती हूँ और मैं करती हूँ, और मैंने रोज़ अभ्यास किया था उस चीज़ का, रोज़ टाइमिंग नोट करती थी, 10 मिनट होता था। उस दिन अचानक क्या हुआ भगवान जाने, इतने सारे कैमराज थे, ऑडियंस थी, इट वॉज़ अ लाइव शो, मुंबई के फोर्ट में हुआ था। मतलब जो ट्रैफिक भी था वो भी मतलब मेरी तरफ डाइवर्ट हो गया था और देखने लग गया था। तो वो उस वक्त के एहसास ने मुझे पता नहीं क्या एहसास करवाया कि मैंने खुद ने ही खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करा, पहले तो 1 मिनट और उसके बाद 2 सेकंड और डिले उसके बाद मैंने किया। तो वो ऐसे बोलने में हाँ 2 सेकंड में क्या होता है, लेकिन जब आप उस वक्त वो चीज़ कर रहे होते हो ना, तो आपको एक एक सेकंड की कीमत पता चलती है। सो लाइफ में ना कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। मैंने भी ज़िंदगी में कभी बहुत छोटे रोल्स भी किए हैं, फिर बड़े रोल भी किए, और अब इस मुकाम पे हूँ कि अब मैं सिर्फ लीड रोल्स ही करती हूँ। बट वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी करना चाहिए। और किसी भी मतलब अभी भी अगर कोई किसी छोटे रोल का ऑफ़र आता है तो मैं उसे मना नहीं करती हूँ, मैं उसे इज्जत दे के ये बोलती हूँ कि शायद मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी ऐसी टाइमलाइन नहीं है, मेरे पास अभी उस चीज़ के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने किसी को कमिट करके रखा है। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू मैम।